साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है ऐसा लगने लगा है जैसे हम एक बार फिर अंग्रेजों के राज में जीने लगे हैं। देश आजाद है, देश डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेसी में एहतजाज करने का हक और अपनी बात कहने का हक हर इंसान को, हर देशवासी को हासिल है। लेकिन ये योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, जो आवाजें इनके खिलाफ उठती हैं उसे हर एक आवाज को ये समझते हैं कि ये राष्ट्रद्रोह की आवाज है। वे समझते हैं कि जो बात जुल्म की बात, दमन की बात, गैर जबूरी बात जो उनके मुंह से निकल रही है, बस वो बात राष्ट्रवाद की आवाज है। और इसके अलावा देश में 70% लोगों की आवाजें राष्ट्रद्रोह की आवाजें समझी जा रही है। और उसका नतीजा है कि एक नौजवान दलित लीडर जब अपने कौम की भलाई, उसकी बेहतरी, उसकी उन्नति के लिए खड़ा होता है तो उसको किसी डेमोक्रेटिक धारा के तहत नहीं, उसको किसी राजनीतिक धारा के तहत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रासुका लगा के उसके ऊपर, उसको कौम का गद्दार कहकर जो गिरफ्तार किया जाता है, ये शर्म की बात है यूपी सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकारें चाहे मोदी की हो चाहे योगी की हो, ये खौफजदा सरकारें हैं, ये डरी हुई सरकारें हैं और इनके डर का नतीजा है कि ये उन आवाजों को अपने झंडे के जरिए रोकना चाहते हैं। आज आप आंख उठा के देखिए, हम एक हक की आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं, हम एक इंसाफ की आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं, हम इस देश के कमजोरों की, दलितों की, पसमांदा लोगों की आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं, हम इस देश के उभरते हुए टैलेंट चंद्रशेखर आजाद के इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, हम निहत्ते लोग हैं, हमारे हाथों में झंडे हैं, हमारे हाथों में प्ले कार्ड है। लेकिन आप देखिए, ये चारों तरफ हमारी तादाद से ज्यादा जो पुलिस को लगा के खड़ा किया गया है, जैसे हम कोई गुंडे हो, जैसे हम कोई टेररिस्ट हो, जैसे हम कोई दिल्ली में कुछ नुकसान अमन का खतरा पैदा हो गया हो, ये खौफ का मजर है कि सरकार खौफजदा है। और वो ये समझती है कि अगर उसने अपने टूल पुलिस, सीबीआई और सीआईडी जैसे जो इस्तेमाल कर को नाजायज इस्तेमाल सरकारें कर रही है, उससे मालूम होता है कि सरकार डरी हुई है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि जालिम हमेशा डरपोक होता है और मजलूम हमेशा ताकतवर होता है, ये याद रखना चाहिए। अगर आज चंद्रशेखर आजाद जेल में है तो उसकी आवाज नहीं दबाई जा सकी। चंद्रशेखर आजाद पर आरासूका लगाकर आप उसे 11 महीने, 11 साल, 11 उम्र भी जेल में रख सकते हैं, लेकिन जो बात लेकर चंद्रशेखर आजाद खड़ा हुआ है और जिस बात की खातिर वो जेल में गया है, अशोक भारती जी ने कहा 50 करोड़ भारतीय उसके साथ खड़े हैं, 50 करोड़ कदम उसके साथ है, 50 करोड़ जबारे उसके साथ है, जेलें खत्म हो जाएगी, सरकारें गिर सकती है, मगर ये आवाजें बंद ना हुई है ना होगी। ये देश डेमोक्रेटिक देश है, ये प्रजातंत्र है, यहाँ डिक्टेटरशिप जब कभी जिस किसी ने चलाने की कोशिश की है, इस देश के लोगों ने उन डिक्टेटरों को बता दिया है कि 125 करोड़ लोगों का ये देश अवाम का देश है। इंदिरा गांधी ने अपने आप को इमरजेंसी लगाकर एक आयरन लेडी का खिताब लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी का जो हशर हुआ है उसको भी इस देश ने देखा है और इस देश के लोगों ने सबक सिखाया है। मैं योगी सरकार से और मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, असेंबली के अंदर अपनी ताकत, अपनी तादाद के ताकत पे ना भूले, मोदी जी 282 अरकान पार्लियामेंट पे ना भूले, बल्कि ये याद रखे कि उनको सिर्फ 30% लोगों ने वोट दिया है, 70% भारत का आवाम उनके मुखालिफ है। वो पार्लियामेंट में 282 और असेंबली में 300 सीट लेके जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर करोड़ों लोगों का ये जन सैलाब पार्लियामेंट की तरफ जिस दिन कूच कर गया
उस दिन न 282 काम आएंगे, न वो 300 काम आएंगे, बल्कि 100 करोड़ अवाम औकात बता देंगे मोदी को भी और योगी को। इसलिए हम ये कहते हैं, आपका विरोध में आवाज हो सकती है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन एक रोल प्ले करता है, आपको अपोजिशन की आवाज सुननी पड़ेगी। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी भी अपोजिशन के और बीजेपी के आदमी थे, 6 साल उन्होंने भी सत्ता चलाई है, लेकिन उस वक्त की सरकारों ने आवाजों को, विरोध की आवाजों को रोका नहीं था। आज एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगा दी गई है इस देश में, आवाजें बंद की जा कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आवाजें अगर इमरजेंसी में बंद नहीं हुई, अगर मीसा के तहत बंद नहीं हो सकी, तो ये आवाजें रासुका के तहत भी बंद नहीं होगी। हम इस देश को आजाद कराने वाले हमारे पूर्वज हैं, और उन पूर्वजों की जो विरासत है वो हमारे पास है, और यह बताना चाहते हैं कि अगर देश को दूसरी आजादी की जरूरत पड़ी तो उस आजादी का बिगुल हम बजाएंगे। आज SDPI खड़ी है, और SDPI के बैनर पे आज अशोक भारती भी खड़े हैं, पांड्या जी भी खड़े हैं। ये है हमारी ताकत, ये है हमारा इंसाफ कि हम अगर SDPI खड़ी हुई है तो SDPI किसी एक की पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के गरीबों की पार्टी है, इस देश के मजलूमों की पार्टी है, इस देश के दलितों की पार्टी है, इस देश के किसानों की पार्टी है, इस देश के मजदूरों की पार्टी है, इस देश के मजलूमों की पार्टी है। जिस किसी के ऊपर जुल्म होगा, उसका जात धर्म जात पेशा कोई भी हो, हम उसके साथ हैं। अगर आज हम चंद्रशेखर आजाद की आवाज उठा रहे हैं, तो कल हम अपने ट्राइबल भाइयों की आवाज भी उठाएंगे, कल हम अपने किसानों की आवाज भी, और उस वक्त तक उठाते रहेंगे जब तक देश सही मानों में आजाद होके इस देश में शेर और बकरी एक सा एक घाट पानी न पीने लगे। तब तक SDPI का मूवमेंट जारी रहेगा, तब तक हमारे मूवमेंट जारी रहेगा। हम मजलूम को ताकत देने के लिए खड़े हुए हैं, और जालिम का हाथ पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं। जालिम चाहे जितना ताकतवर महसूस करे, इस पुलिस की तादाद को देख के जालिम की ताकत का हमने अंदाजा कर लिया है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, SDPI ने एक तहरीक शुरू की है, और वो तहरीक जारी रहेगी। हम रहे या न रहे, हमारे जिस्मों के ऊपर सर बाकी रहे या न रहे, हमारी रगों में खून दौड़े या न दौड़े, हम रहे या न रहे, हमारी औलादें लेके चलेंगे इस मूवमेंट को, और इस देश को हम इंसाफ दिला के रहेंगे। बता खुदा जिंदा।